ऐसे हैं आप लोग। देखिए आज हम उत्तर प्रदेश का आपका फाइनल कटअप बताने वाले हैं एसएससी जीडी का। देखिए एग्जाम के बाद जो कटअप जाता है उत्तर प्रदेश पर, हम एक वीडियो बना चुके हैं, पहले भी एक वीडियो बनाए हैं कि आपका एग्जाम के बाद कटअप क्या जाएगा। तो ये जो हम बना रहे हैं आपके किसके लिए बना रहे हैं, ये फाइनल कटअप के लिए। फाइनल कटअप जो होता है आपका फिजिकल के बाद फाइनल कटअप क्या जाएगा, मतलब जिसके बाद आपका जॉब लग जाएगा। तो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो है आपका मेल एंड फीमेल का दोनों का फाइनल कटअप बताने वाले हैं। उससे पहले हम बता दें आंसर की और रिजल्ट के बारे में। तो आपका जो आंसर किया आएगा, आंसर किया आपका कितना 10 से 12 दिन में आ जाएगा, मतलब लगभग फरवरी के लास्ट में आपका आंसर किया आ जाएगा। और रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका मार्च तक आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आगे वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का यहाँ पर दो कैटेगरी है, तीन कैटेगरी है। एक तो आपका जनरल है, ठीक है, एक आपका बॉर्डर एरिया है, एक आपका नक्सल एरिया है। तो तीनों का कटअप बताते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो जनरल का पहले बताते हैं मेल और फीमेल का क्या होगा। तो 120 मार्क्स और 115 मार्क्स कितना होगा, मेल कैंडिडेट का 120 मार्क्स होगा, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट का कितना होगा 115 मार्क्स, कितना 115 मार्क्स। उसके बाद बात करें जनरल कैटेगरी में बॉर्डर और नक्सल एरिया का, तो बॉर्डर एरिया का कितना होगा आपका 100 और 96 मेल का, कितना 100 और 96 मेल का। और फीमेल की बात करें तो फीमेल का कितना होगा 95 और 100, कितना 95 और 100, ठीक है। उसके बाद ओबीसी का जनरल एरिया की बात करें तो ओबीसी का जनरल एरिया में आपका कितना होगा 117 और 115, 117 आपका मेल का होगा, किसका 117 मेल का, और फीमेल का कितना होगा 115, कितना 115 फीमेल का 115। ओबीसी का बॉर्डर या नक्सल एरिया में बात करें, ध्यान से समझिएगा, पहला जो हम बताएंगे आपको वो बॉर्डर होगा, ठीक है, दूसरा जो बताएंगे कौन सा होगा नक्सल एरिया, क्योंकि यूपी में आपका उत्तर प्रदेश में तीनों होता है, जनरल भी होता है, बॉर्डर भी होता है, नक्सल भी होता है, ठीक है। तो ओबीसी का जो बॉर्डर और नक्सल होगा, तो ओबीसी का आपका बॉर्डर और नक्सल क्या होगा 95 और 101, क्या होगा 95 मार्क्स बॉर्डर और नक्सल कितना होगा 101, ये मेल कैंडिडेट के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का आपका क्या होगा 93 और 95, क्या होगा 93 मार्क्स आपका बॉर्डर एरिया, और जो आपका नक्सल एरिया का होगा वो कितना होगा 95 मार्क्स, कितना 95 मार्क्स। अब हम बात करें एसटी का जनरल एरिया का मेल और फीमेल का, तो एसटी का जो जनरल एरिया का मेल और फीमेल का होगा वो क्या होगा 100 और 97, क्या होगा 100 मेल का, फीमेल का 97। और अब एसटी में हम बॉर्डर और नक्सल एरिया की बात करें, देख लीजिए पहला जो बताएंगे वो बॉर्डर होगा, दूसरा जो बताएंगे वो नक्सल होगा। समझाते हैं आपको, जैसे कि एसटी का बॉर्डर या नक्सल मेल कैंडिडेट का बताते हैं, ठीक है, तो आपका क्या होगा 95 और 94, तो 95 आपका बॉर्डर, ठीक है, और 94 क्या होगा नक्सल मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, एसटी का, ठीक है। अब फीमेल का बताते हैं, तो फीमेल का भी सेम उसी तरह समझिएगा, पहला वाला जो रहेगा वो बॉर्डर का रहेगा मार्क्स, दूसरा वाला जो रहेगा नक्सल का मार्क्स रहेगा, ठीक है, 87 और 90, कितना 87 और 90। अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में जनरल एरिया, तो एससी कैटेगरी में जो आपका जनरल एरिया कितना होगा 107 और 102, कितना 107 मार्क्स मेल का और फीमेल का 102 मार्क्स। अब हम बात करेंगे एससी में बॉर्डर या नक्सल, तो एससी में जो आपका बॉर्डर या नक्सल होगा 80 या 82, 80 मार्क्स आपका बॉर्डर, 82 आपका नक्सल, ठीक है, और ये मेल का हो गया, फीमेल का क्या होगा सेम होगा, ठीक है, 80 मार्क्स बॉर्डर, 82 नक्सल, ठीक है, फीमेल का भी सेम। अभी डब्ल्यू एस में जनरल एरिया की बात करें तो वे आपका क्या होने वाला है 115 और 112, क्या होगा 115 मेल का फीमेल का 112। अब ई डब्ल्यू एस में आपका बॉर्डर या नक्सल एरिया की बात करें तो उसमें क्या होगा 81 95, कितना 81 95, तो ये ध्यान से समझिएगा 81 आपका बॉर्डर और नक्सल 95, और उसी तरह 85 और 96, ठीक है, 85 और 96 किसका फीमेल का, पहला वाला बॉर्डर दूसरा वाला नक्सल। देख लीजिए अगर ये हम बता चुके हैं उत्तर प्रदेश का कटअप, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपना कटअप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बोलिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।